Hey guys, this is Ashwin and welcome to Tech Reloaded. So today we will see the top 10 apps which you must have in February 2K17. So any further ado, let's get started. So आज का पहला एप्लीकेशन है क्रोमा कीबोर्ड। तो इसका जो भी है हम उसको स्किप करेंगे और इसमें सेलेक्ट करना है आपको इंडिया इंग्लिश क्रोमा कीबोर्ड को और ये सब स्किप करना है। और जैसे ही आपने ये सब किया इसमें ज़्यादातर ऑप्शंस है, जैसे कि आपको लैंग्वेज मिलेगा, गेस्चर्स मिलेगा और आपको कीबोर्ड को जैसे ही आपको मनचाहे आप कर सकते हो। इसमें मुझे ज़्यादा पसंद आया है कि आप जिस भी एप्लीकेशन से जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वो आइकॉन्स का कीबोर्ड आपको भेजेगा। जैसे कि अभी आप हैंगआउट में चैट कर रहा हो तो ग्रीन दिखाएगा कीबोर्ड, वैसे ही मैं आपको व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हूँ तो भी ग्रीन दिखाएगा। जैसे कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ जीमेल थ्रू अगर मैंने चैट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो आपको रेड आइकॉन्स दिखाएगा। सो सेकेंड ऐप है कंट्रोल ऐप। कंट्रोल ऐप एक स्कैन डॉक्यूमेंट्स है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आपका स्कैन करना हो ये यूज़ होगा, लेकिन इसका इंटरफेस मुझे इसके लिए पसंद आया है जैसे कि आप ज़्यादा ही लेंदी डॉक्यूमेंट्स अगर डाउनलोड करके आपको स्कैन कर रहे हो और आपको पर्टिकुलर वर्ड के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पड़े तो ये उसके लिए यूज़ होता है, जो आप इजीली आपको पूरा ये कर सकते हैं। जैसे कि आप इससे पहले डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना पड़ेगा तो हर पर्टिकुलर वर्ड को स्कैन कर लेगा। अभी आपको कोई भी वर्ड सर्च करना है, जैसे मैं अभी सर्च करूँगा 1920, तो वो डॉक्यूमेंट में जहाँ भी 1920 या 22 होगा वो आपको दिखा देगा, क्योंकि मैंने वही सर्च किया है और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी नेक्स्ट डालूँगा कि एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट वो डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ भी है वो आपको दिख जाएगा। सो नेक्स्ट लॉन्चर है ईवी लॉन्चर। ईवी लॉन्चर मैं कम से कम 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, जैसे कि आपको गूगल पिक्सल में मिलेगा। तो इसमें आप होम स्क्रीन का जो डॉक है वो आप चेंज कर सकते हो, उसका कॉलम्स बढ़ा सकते हो या उसका रोज बढ़ा सकते हो। वैसे अगर आप डॉक में नॉर्मली आपको होता है कि 5 से 6 आइकॉन सेट हो जाए, लेकिन इसमें मैक्सिमम 10 आइकॉन तक सेट हो सकती है और उसका आइकॉन साइज भी आप नॉर्मली चेंज कर सकते हैं। जो नोवा लॉन्चर में आपको वो सब चेंज करने के लिए प्राइम एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। तो इसका जो स्टेम लॉन्चर है वो उतना खास नहीं है, तो मैं इसमें ऑलरेडी पिक्सल आइकॉन का सेटअप कर दिया हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने पिक्सल आईपी को क्लिक किया हो तो आप उसका इंटरफेस देख सकते हो, सेम पिक्सल जैसे ही आपको दिखेगा वो। तो इसमें आप गेस्चर डाल सकते हो और नोटिफिकेशन का जो भी आपको आएगा, जैसे कि आपको जितना नोटिफिकेशन आया उसका सेटअप भी आप कर सकते हो। और इसका इंटरफेस मुझे ज़्यादा ही क्यों पसंद आया, बिकॉज आप कोई भी किसी भी चीज़ को नॉर्मली सर्च कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर ऐप्स पर जाके कोई भी ये करने का ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल वहाँ से सर्च कर सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशन सर्च करना है, अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट को सर्च करना है और उनको आपको कॉल करना है तो भी आप उसमें कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऐप है प्लाइसो। प्लाइसो एक एप्लीकेशन है जिसमें आप एक ही एप्लीकेशन थ्रू आपका 3 सोशल मीडिया वर्क कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। तो आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट एक्टिवेटेड है और इंस्टाग्राम भी आप देख सकते हो। ओ, आप इनको तो जानते ही होंगे, मिस्टर भुवन बाम। तो आप इसमें इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट भी डाल सकते हो तो आपको ज़्यादा ही यूज़फुल होगा। नेक्स्ट ऐप है इंक्वायर। इंक्वायर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे कि आप रिमोट
जैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप किसी के मोबाइल रिमोट में ले सकते हो। तो आपको करना इतना ही है कि वो जो कॉपी लिंक करना है और आपको जो भी सोशल मीडिया है या कोई भी साइट है उसमें आपको डालना है। तो सामने वाला अगर उसे क्लिक कर भी दिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं जस्ट जैसे ही दूसरा मोबाइल से क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो भी वो मोबाइल का इंटरफेयर है वो मेरा मोबाइल में आ जाएगा। तो मैं वो मोबाइल को जैसे रिमोट में ले रहा हूँ, नेक्स्ट ऐप पे ओपन लिंक विद। ओपन लिंक विद जो एप्लीकेशन है जहाँ आप क्रोम में किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हो और पर्टिकुलर ऐप्स थ्रू आपको जाना है तो आप जा सकते हो। जैसे जो भी है हम इसे स्किप करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि अभी क्रोम में मैं अभी यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ। तो यूट्यूब अभी आपको क्रोम में आपको कोई भी लिंक आ गई है और आपने सर्च किया तो आपको क्रोम में दिखाएगा। तो आप वहाँ शेयर के बटन पर क्लिक करो और ऑटोमेटिकली वो आपको ओपन विद दिखाएगा, फिर से उसे क्लिक करना पड़ेगा तो आपको जो उसका एप्लीकेशन है वो आपको दिखाएगा। तो आप वो एप्लीकेशन थ्रू जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। जैसे अभी आप मैंने फेसबुक का डाल दिया है तो फेसबुक को भी आप सेम वही कर सकते हो, जैसे कि शेयर में जाके ओपन लिंक विद करो और आप फेसबुक थ्रू एप्लीकेशन को देख सकते हो। सो नेक्स्ट ऐप है ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स। ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स एक ऐसा कॉन्टैक्ट्स है जो आप जहाँ भी हो आपका लोकेशन आप शेयर कर सकते हो। अगर आपने उसको स्टार्ट किया है तो आपका 24 आवर्स में हर पर आवर के हिसाब से आपका लोकेशन शेयर होते रहेगा जो आप कॉन्टैक्ट सर्च किए रहेंगे। अगर आपको फैमिली में जैसे कि मॉम डैड के ऑलरेडी आपने जीमेल अकाउंट डाल दिया है और आपको उनको आपका पर आवर में आपका लोकेशन सेंड करना है तो आप जस्ट उसे ऑन करके बैक लीजिए, ऑटोमेटिकली वो पर आवर के हिसाब से आपका लोकेशन ट्रेस करेगा। सो नेक्स्ट ऐप है यूनिवर्सल कॉपी। यूनिवर्सल कॉपी एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ से आप ऑलरेडी मतलब जो भी है उसे आप कॉपी कर सकते हो। जैसे कि आप अभी विकिपीडिया में नॉर्मली आप वर्ड को कॉपी कर सकते हो लेकिन इमेज को कॉपी नहीं कर पा रहे हो या लिंक को कॉपी नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको यूज़फुल रहेगा हर चीज़ को कॉपी करने के लिए। जैसे मैं आपको अभी दिखाऊँगा, आपको लेकिन परमिशन सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपना नोटिफिकेशन में ये ऑलरेडी यूनिवर्सल का आ जाएगा। तो अभी आपको विकिपीडिया में कोई भी चीज़ को सर्च करना हो तो उसे जस्ट एक टैप करके क्लिक कर दो, ओके। तो आप पर्टिकुलर जो भी है उसे आप कॉपी कर सकते हो। तो आप जिस जहाँ भी आपको उसको पेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, तो आपको ये कॉपी करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो नेक्स्ट वन है वॉलपेपर। ये वॉलपेपर मुझे इसलिए पसंद आया कि इसका जो वॉलपेपर्स का जो है क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और इसमें पर्टिकुलर जो वॉलपेपर उन लोगों अपलोड करते हैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। जैसे आप इसका क्वालिटी देख सकते हो जितना अच्छा है और इस मैक्स टू मैक्स 2 या 3 MB का हो जाता है और ये फुल स्क्रीन में सेट हो जाएगा।
तो आज का वीडियो का लास्ट जो एप्लीकेशन है वो है स्ट्रीम। स्ट्रीम एप्लीकेशन है ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ आप जो भी आपका यूट्यूब का जो भी वीडियोस है वो आप देख सकते हो, जैसे मल्टी टास्किंग जो होता है वैसे आप कर सकते हो। इसको आप परमिशन इनेबल करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने उसे इनेबल कर दिया अगर आप देख रहे हो तो आप मल्टी टास्किंग कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते करते वो वीडियो भी देख सकते हो, जैसे अभी आप कौन सा भी एक वीडियो चॉइस कर लो और उसे प्ले कर लो। जैसे ही वो प्ले हो जाएगा, लोडिंग हो रहा है, जैसे ही वो प्ले हो जाएगा उसके बाद आप कौन सा भी ऐप थ्रू जाके कुछ भी कर सकते हो, जो आपका पर्सनल काम आप कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो और वीडियो जो भी है वो प्ले होते रहेगा। उसे आप कैंसिल करने के लिए क्रॉस चेक बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तब तक वो प्ले होते ही रहेगा। सो होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड सो प्लीज़ लाइक शेयर, और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, सब्सक्राइब कर लो।